चलो बुला ला। का कैमरा बनाते कभी कैमरे पे डस्ट आता है, इसलिए मैं आज हम लोग यहाँ पे डबलपुरा पुलिस स्टेशन आकर नायक साहब को कंप्लेंट करे स्टेशन हाउस ऑफिसर को कि 28 जून के दिन एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ जॉन अब्राहम की फिल्म जो टी सीरीज प्रोडक्शन भूषण कुमार के थ्रू रिलीज़ हो रही है, इसका नाम है सत्यमय जयते। इसका प्लॉट करप्शन पे बेस्ड है। इस फिल्म में जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसमें एक सीन डिपिक्ट किया गया जिसमें मुहर्रम का सीक्वेंस है कि जॉन अब्राहम मातम कर रहा और मातम की जंजीर से ही बाद में मर्डर कर रहा, इससे हमारे जो मजहबी जज्बात है वो मजरू हुए। और इस सिलसिले में मैं हमारे सीनियर काउंसिल जाफर नदीम साहब के साथ PS आकर हमारी, क्योंकि शिया कम्युनिटी को इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर्ट करने का सिलसिला कई फिल्मों से जारी है, और उस सिलसिले में हम आकर यहाँ डबलपुरा PS में कंप्लेन करें। और कल जो है सो हम हैदराबाद में CBFC रीजनल ऑफिसर को भी इसकी कंप्लेन करें, और उन्होंने तवक्कुन दिया कि ये CBFC के हेड ऑफिस मुंबई को ट्रांसफ़र करेंगे। अगर सीन मूवी में से और ट्रेलर में से डिलीट नहीं होता है तो शायद हम यकीनन इस एहतजाज को ऑल इंडिया लेवल पर लेके जाकर एजिटेट करेंगे और इस मूवी के खिलाफ होने नहीं, रिलीज़ नहीं होने देंगे। जॉन अब्राहम का किया हुआ है इस मूवी में, अभी ट्रेलर में ऐसा बताया जा रहा है कि शिया हजरत जो मातम करते हैं जंजीर जनी वगैरह, उस जंजीर जनी के मातम के दौरान जो है वो मातम ख़त्म होते ही वो मातमदार जाके जो है जो जॉन अब्राहम है वो किसी एक दूसरे आदमी का जो है कत्ल करता है लकड़ी से। इसमें शिया अकायद को जो है सख्त ठेस पहुंचने वाली चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मातम है ये एक अकीदे वाली चीज़ है और ये बिल्कुल रिलीजियस चीज़ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि दुनियावी चीज़ों से। और हिंदुस्तान के कानून में जो मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, द सिनेमाटोग्राफ एक्ट करके कानून है, उसमें Section 5B के तहत इन चीज़ों के ऊपर मनाइयत है कि ऐसी कोई चीज़ आप मत बताएं जिसमें जो है किसी एक फिरखा तबका या किसी एक पेशे के लोगों के पेशे से जो है गलत चीज़ आप जो है बावर कर रहे हैं। दूसरे IPC के सेक्शंस कुछ हैं जैसे 268, 295A और दूसरे भी मुख्तलिफ, जिसमें ये बात क्लियर है कि ऐसी चीज़ें मूवी या किताब में जो है नहीं लेके आना चाहिए जिससे जो है मजहबी अकायद को जो है ठेस पहुंचती है। और ये मूवी जैसे कि उसमें मूवी के बारे में बात की गई और उन जो मुतालिखा लोग हैं उनसे जो है रब्त पैदा किया गया, तो उनका बताना ये है कि ये मूवी जो है करप्शन के ख़िलाफ़ बनाई गई है। इसका प्लॉट जो बेस्ड है वो ये है कि 600 लोग एक नई कौम एक मज़हब क्रिएट करें और जिसकी बुनियाद जो है करप्शन पे है। वो 600 लोगों से इनका जो है इशारा है पार्लियामेंट पे, जो कानून बनाने की सबसे बड़ी जो है सेटअप है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। इसमें किसी भी तरीके से जो है करप्शन का इस मातम से कोई ताल्लुक़ नहीं, और वो गलत जो है मैसेज पहुंचाने की नाकाम कोशिश है। अगर ये सस्ती पब्लिक सिटी का भी अटेम्प्ट है तो ये भी बात गैर कानूनी है। तीसरी चीज़ इसमें ये आती है कि उनका बोलना ये है कि हम हर मज़हब के एक एक आदमी का करप्शन और उसी मज़हब का जो है उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो मैंने ये बोला कि मज़हब तो सब मुसलमान हैं, तो आप जो है किसी भी हिसाब से कुछ नहीं तो नहीं किसी को जो है फजल खान
फतेह खान नाम आदमी का बोल के उसके बाद में जो है उसको अगर करप्शन से आप बताते हुए कुछ अच्छा मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं तो वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं था। किसी एक मज़हब के एक फिरके के जो है बहुत ज़्यादा सीरियस और गम का प्रोसेशन जो मुहर्रम का मातम होता उसमें लेके आके बता रहे हैं, जबकि ऐसा कोई तारीख में कोई हवाला नहीं मिलता। तो समझ में ये आ रहा कि जो है इनको बताने के बावजूद इन्होंने इंटेंशनली जानबूझ के जो है ये सीन रखा हुआ है। इसके बारे में इनकी मूवी की शूटिंग के टाइम पे भी इनको ऑब्जेक्शन किया गया था, मगर उसके बाद में भी ये ट्रेलर में चीज़ आ रही है। तो इसके खिलाफ अभी जो है, और आखिरी में उसमें जब ये जॉन अब्राहम कत्ल करता है तो ताजदार हरम खवाली पीछे लग रही है, हो निगाह करम। तो क्या निगाह करम के वक्त जो है किसी का कत्ल होता है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक खवाली है और उसको पीछे जो है चलाया जा रहा है रनिंग ऑडियो में, और उस दौरान आदमी का कत्ल किया जाता है। तो इनके ना स्टोरी से कनेक्टेड है, 1968 का मद्रास से कनेक्टेड एक पी जगजीवन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके केस है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर की थी कि अगर स्टोरी के प्लॉट के रिक्वायरमेंट में है और कनेक्शन में है ये चीज़, तो ऐसी कोई चीज़ बताने में वो भी जो है बिल्कुल चंद सेकंड के लिए, और एक मिनट से ज़्यादा ये पूरा सीन इस ट्रेलर में ही बताया जा रहा। तो 3 घंटे की मूवी में पता नहीं किस किस्म से जो है मज़हबी अकायद को जो है ठेस पहुंचाने की इसमें नाकाम कोशिश की गई है। इसके ख़िलाफ़ जो है पुलिस कंप्लेंट भी दिया जाएगा और एक्शन भी लिया जाएगा, और इंशाल्लाह ये कोशिश की जाएगी कि ये मूवी रिलीज़ ना हो जब तक जो है इसके सीन्स जो है डिडक्ट ना हो और इसमें से डिलीट ना हो। थैंक यू। तो ये मिक्स करके नहीं मालूम वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। करप्शन बेस्ड जो प्लॉट है इनकी स्टोरी, उसका कहीं से कहीं तक जो है ये तमाम मजहबी कामों से जो है कोई ताल्लुक नहीं रहता, और ये बिल्कुल जो है गलत अंदाज में जो है पिक्चराइजेशन है मजहबी हमारे एहसास को ठेस पहुंचाने वाला, जिसके ऊपर जो है अभी हम लोग कंप्लेंट्स देने वाले हैं। और जो है ये फिल्म प्रोड्यूसर और इसके डायरेक्टर वगैरह को डिलीट करके रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, तो हिंदुस्तान भर में इस पे एहतजाज किया जाएगा।